नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ट्रू फैक्ट चीम में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है होम्योपैथिक मेडिसिन सीना बेरिस के सिम्टम। सबसे पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन दबाना नहीं भूलें, जिससे कि हमारा अगला वीडियो आपको दिनभर से मिलता रहे। कृपया नोट करें, हमारे चैनल का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है। होम्योपैथिक मेडिसिन सीना बेरिस मर्क्यूरिक सल्फाइड के सिम्टम। सीना बेरिस औषधि किसी व्यक्ति की पलकों में स्नायुशूल के दर्द और गर्मी के कारण शरीर में पैदा हुए जख्मों को भरने में बहुत लाभकारी होता है। सीना बेरिस औषधि किसी व्यक्ति के पलकों में स्नायुशूल के दर्द और गर्मी के कारण शरीर में पैदा हुए जख्मों को भरने में बहुत लाभकारी होता है। विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर सीना बेरिस औषधि का उपयोग, जैसे रक्त से संबंधित लक्षण, किसी व्यक्ति के अगर नाक से खून निकलता हो, आमाशय से खून बहता हो, बवासीर के कारण खून ज़्यादा बहता हो, तो ऐसे लक्षणों में रोगी को सीना बेरिस औषधि का सेवन कराना काफ़ी लाभप्रद रहता है। उपदंश प्रमेह से संबंधित लक्षण, लिंग के मुँह का सूझकर फूल जाना, मस्से होना, खून निकलना, अंडकोशों का बढ़ जाना आदि लक्षणों में अगर रोगी को सीना बेरिस औषधि का सेवन कराया जाए तो लाभ मिलता है। आँखों से संबंधित लक्षण, आँखों में आंसुओं की नली से शुरू होकर दर्द का आँखों के चारों ओर की कर्णपट्टी तक फैल जाना, आँखों में किसी चीज़ का चुभना सा महसूस होना, आँख के अंदर के सफ़ेद भाग का लाल हो जाना, आँखों से कम दिखाई देना, पलकों का सूज जाना, पुतलियों में निशान से पड़ जाना आदि लक्षण के आधार पर रोगी को सीना बेरिस औषधि दी जाए तो आराम मिलता है। नाक से संबंधित लक्षण, नाक की जड़ पर दबाव पड़ना, पुराना सर्दी जुकाम होने पर नाक से गोंद की तरह लेसदार सा सुराव होना जो नाक के द्वारा गले में पहुंच जाता है आदि लक्षणों के आधार पर सीना बेरिस औषधि का सेवन काफ़ी लाभप्रद रहता है। सिर से संबंधित लक्षण, सिर में खून जमा हो जाने के कारण होने वाला सिर का दर्द, रात को और दिन में हाथ पैरों का ठंडा हो जाना, जोरों में ठंडापन महसूस होना, जोरों के आसपास खुजली सी महसूस होना आदि सिर के रोग लक्षणों में रोगी को सीना बेरिस औषधि का प्रयोग कराने से आराम आता है। प्रतिविष हीपर सल्फ औषधि का उपयोग सीना बेरिस औषधि के दोषों को दूर करने में किया जाता है। पूरक थूजा वृद्धि, शाम को, रात के समय, सोने के बाद, दाई करवट लेटने से, छूने से, रोशनी से, सीलन से रोग बढ़ता है। शमन खुली हवा में, रात को भोजन के बाद, सूरज की रोशनी से रोग कम हो जाता है। तुलना हीपर नाइट्रिक एसिड थूजा सीपिया से सीना बेरिस औषधि की तुलना की जा सकती है। मात्रा 1, 3x, 30 और 200 शक्ति तक। हम अपने अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।